हाय आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ खास अपडेट। बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान की हालिया रिलीज राधे या मोस्ट वांटेड भाई को दर्शकों का जमकर प्यार मिल रहा है। इस फिल्म को रिलीज डे पर एक साथ इतने दर्शक देखने लगे थे कि Zee5 का सर्वर क्रैश कर गया और कंपनी को एक स्टेटमेंट जारी कर बताना पड़ा कि वो इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही सभी भाईजान की फिल्म का लुत्फ उठा पाएंगे। ऐसे हम अगर राधे या मोस्ट वांटेड भाई के वीकेंड की बात करें तो इसने कुल मिलाकर 9.9 मिलियन व्यूज दर्ज कराए हैं। कोरोना काल में रिलीज हुई किसी भी ए लिस्ट एक्टर की फिल्म ने ऐसा धमाकेदार OTT वीकेंड दर्ज नहीं कराया है। फिल्म की दर्शकों की संख्या देखकर ट्रेड एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि सलमान खान का स्टारडम केवल सिनेमा घरों में ही नहीं बल्कि OTT पर भी सबके सिर चढ़कर बोलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान की राधे फिल्म इतनी धमाकेदार ओपनिंग दर्ज करने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा से पीछे रह गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद रिलीज हुई दिल बेचारा ने अपने पहले वीकेंड में 95 मिलियन व्यूज दर्ज किए थे, जो किसी भी बॉलीवुड फिल्म के द्वारा एक वीकेंड में दर्ज कराए गए सबसे ज्यादा व्यूज हैं। बता दें कि राधे मोस्ट वांटेड भाई और दिल बेचारा के पहले वीकेंड के व्यूज में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह जंग तो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ही जीती है। वैसे यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि दिल बेचारा को फ्री में उपलब्ध कराया गया था और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की वजह से इस फिल्म के साथ मानवीय भावनाएं भी जुड़ी गई थी। इस कारण फिल्म के व्यूज छप्पर फाड़ रहे थे। खैर जो भी हो, आप लोग ये दोनों फिल्मों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।